नमस्कार, मैं मुकेश विद्यार्थी आप सभी का स्वागत करता हूं। आखिर अमीर अमीर क्यों बनते जा रहे हैं और गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है? विशेष प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। सोच, सब कुछ सोच पे डिपेंड है। एक अमीर सोच वाले व्यक्ति और एक गरीब सोच वाले व्यक्ति क्या सोचते हैं, सेम चीज को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। गरीब सोच वाला व्यक्ति किसी भी चीज को ग्रहण करने से पहले उसके फेलियर की चिंता करता है, जबकि अमीर सोच वाला व्यक्ति उसके फेलियर की चिंता ना करके उसके सफलता की चिंता करता है और उस पर वर्क करता है, और तब तक जब तक कि उसे सफलता नहीं मिल जाती तब तक वो उस चीज के पीछे मेहनत करता है और वो एक दिन सफल होता है। और गरीब सोच वाला व्यक्ति सेम कंडीशन में उसी चीज को फेलियर की चिंता करके छोड़ देता है, या तो प्रयास अगर करता है, एक बार भी अगर फेलियर हो जाता है तो उससे क्विट हो जाता है। गरीब सोच वाले व्यक्ति अक्सर ये चाहते हैं जिस चीज में हाथ डाल दे वो चीज सफल होनी चाहिए। अगर एक भी बार वो चीज विफल हो जाती है, अनसक्सेस हाथ लगती है, तो वो शांत मार के बैठ जाते हैं। जबकि अमीर सोच वाले व्यक्ति ऐसा नहीं करते, वो जितनी बार फेलियर होते हैं उससे कुछ नई नई चीजें सीखते हैं और उस चीज को सुधार करते हैं, और तब तक सुधार करते रहते हैं जब तक कि वो उस काम में माहिर नहीं हो जाते और सफल नहीं हो जाते। एक गरीब सोच वाला व्यक्ति एक्टिव इनकम के बारे में सोचता है कि मैंने आज जो मेहनत की उसका मुझे इनकम मिला कि नहीं, उसका इनकम मुझे क्या मिल रहा है। जबकि अमीर सोच वाले व्यक्ति ऐसा नहीं करते, वो इस बात पे गौर करते हैं कि मुझे इससे पैसिव इनकम कैसे आएगा, उस चीज के पीछे मेहनत करते हैं। वो फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग करता है, जबकि गरीब सोच वाला व्यक्ति वर्तमान को लेकर प्लानिंग करता है। अगर गरीब सोच वाले व्यक्ति को कुछ बेहतर प्लान के बारे में बताया जाए, कुछ बेहतर काम के बारे में बताई जाए, कुछ बेहतर इनकम के बारे में बताया जाए, तो सबसे पहले उनके माइंड में रिजेक्शन आता है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि इस इनकम को भी लिया जा सकता है, और वो वहीं से क्विट कर जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। और एक अमीर सोच वाला व्यक्ति अगर उसे किसी भी बेहतर इनकम के बारे में, बड़े इनकम के बारे में, बड़े बिजनेस के बारे में बताई जाए, तो रिजेक्ट करने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले उसके सच्चाई को जानना चाहता है, उसके मुख्य बिंदु को जानना चाहता है, और उस चीज को समझने के बाद उस पर मेहनत करता है, और तब तक मेहनत करता है जब तक उसे सफल नहीं बना देता। गरीब सोच वाले व्यक्ति हमेशा नौकरी 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 की रट लगाए रहते हैं, जबकि अमीर सोच वाले व्यक्ति ऐसा नहीं करते। वो अपनी मेहनत, अपने टैलेंट के बलबूते अपना एक परचम लहराते हैं और पूरी दुनिया विराज करते हैं। मुझे एक व्यक्ति का नाम गिना दीजिए जो नौकरी करके बहुत बड़े पैसे वाला बन गया हो, बहुत बड़ा रईस बन गया हो, शायद आपके माइंड में किसी का नाम नहीं आएगा। गरीब सोच वाले व्यक्ति किसी भी रिकॉर्ड के नीचे काम करना पसंद करते हैं। जो भी रिकॉर्ड पहले से बनी हुई है उसके ऊपर नहीं पहुंचना चाहते, उसके नीचे ही रहकर के वो काम करना चाहते हैं, जबकि अमीर सोच वाले व्यक्ति उस रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास करते हैं और तोड़ करके दम लेते हैं। गरीब सोच वाले व्यक्ति अकेले ही खुद के बलबूते 10 घंटे की जगह 12 घंटा और 12 घंटे की जगह 16 घंटा काम करके उस काम को अंजाम देना चाहते हैं, और अकेले ही पूरी जिंदगी काम करते हैं, और उसी वर्ग के बलबूते वो चाहते हैं कि मैं अमीर बन जाऊं। जबकि अमीर सोच वाले व्यक्ति ऐसा नहीं करते, वो अपने बिजनेस को, अपने काम को मल्टीप्लाई करते हैं कि आज अगर मैं 10 घंटा काम कर पा रहा हूं तो कल मेरा 20 घंटा कैसे होगा, 40 कैसे होगा, 80 कैसे होगा, उससे अधिक कैसे होंगे, हजारों घंटा काम कैसे होगा। हर किसी को भगवान ने 24 घंटा दिया है, एक दिन में हर किसी को 24 घंटा ही मिला है, चाहे दुनिया का कोई भी हस्ती हो, लेकिन उस 24 घंटे को बढ़ा करके हजारों घंटे कैसे बनाया जाए, यह सोच सिर्फ अमीर सोच वाले व्यक्ति डेवलप करते हैं अपने अंदर। जबकि गरीब सोच वाले व्यक्ति वो चाहते हैं कि इसी 24 घंटे के अंदर मैं कितना अधिक से अधिक काम खुद कर लूं। एक गरीब सोच वाला व्यक्ति यदि उसके अकाउंट में 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये कहीं से आ जाए, कहीं से इकट्ठा हो जाए, तो वो चाहते हैं कि इस पैसे को
खर्च कहां कहां किया जाए, वो उस पैसे को खर्च करने के तरीके माइंड में तलाश रहे होते हैं कि मैं इससे बाइक ले सकता हूं, मैं इससे घर का दरवाजा बनवा सकता हूं, मैं इससे खिड़की बनवा सकता हूं, मैं घर का पेंट करा सकता हूं, मैं अपने परिवार के लिए कपड़े खरीद सकता हूं, इत्यादि जो भी उसके माइंड में आती हो, उस पैसे को खर्च करने का वो तरीका तलाशते हैं। जबकि अमीर सोच वाले व्यक्ति ऐसा नहीं करते, वो सबसे पहले अपने माइंड में ये डेवलप करते हैं कि मुझे करना क्या है, फैक्ट्री लगानी है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस खोलना है, कुछ प्लांट बैठाना है, किस किस बात पे मुझे वर्क करना होगा और मुझे कितने रुपए की आवश्यकता पड़ने वाली है, और वो उस रुपये को इकट्ठा करने का, जमा करने का तरीका तलाशते हैं। गरीब सोच वाले व्यक्ति किसी भी काम में यदि फेलियर होते हैं तो जिम्मेदार दूसरे को ठहराते हैं कि मेरे पापा ने मुझे ये नहीं कराया, मैं ये करना चाहता था, मेरे पापा ने मुझे ये नहीं कराया, मुझे ये करने नहीं दिया, मैं ऐसा करना चाहता था। जबकि अमीर सोच वाले व्यक्ति वो फेलियर का जिम्मेदार खुद को मानते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। गरीब सोच वाले व्यक्ति दिन दिन भर टीवी के सामने बैठ करके अपना समय व्यतीत करते हैं, एक भी एपिसोड उसका मिस नहीं होना चाहिए, ऐसा समय निकाल करके उस टीवी के सामने वो बैठे रहते हैं, वो सीरियल आएगा, क्रिकेट मैच चल रहा है, शुरू से लेके अंत तक वो क्रिकेट मैच देखते हैं, उसके बाद जो डिस्कशन होती है उसे भी वो बड़े गौर से बैठ करके देखता है। गरीब सोच वाले व्यक्ति इतने से भी पेट नहीं भरता, वो डिस्कशन के बाद उसकी बायोग्राफी पे जाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसके पेज को लाइक करेंगे, बायोग्राफी को चेक करेंगे, लेकिन उसे उस चीज से मतलब नहीं है, बस उसे टाइम पास करना है, कोई मतलब नहीं। लेकिन अमीर सोच वाले व्यक्ति ऐसा नहीं करते, अमीर सोच वाले व्यक्ति यह करने का प्रयास करते हैं कि मैं इस टीवी पे कैसे आऊंगा। गरीब सोच वाले व्यक्ति इस चीज को भी लेकर के परेशान रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जबकि अमीर सोच वाले व्यक्ति इस चीज को लेकर परेशान नहीं होते कि लोग क्या कहेंगे, बस उसे अपने काम से मतलब होता है, और अपने काम में वो इतने ज्यादा माहिर हो जाते हैं कि लोग उनकी तरफ बनना चाहते हैं। दुनिया में चाहे जितने भी लोग सफल हैं, उनके बारे में पढ़िए, स्टडी कीजिए, स्टडी करना बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के माध्यम से दो चार किताबें लिखी जाती हैं और वो व्यक्ति अपने पूरे जीवन का सार उस किताब में दर्शाते हैं, और उस किताब को पढ़ने में आपको मात्र 20 दिन या एक महीने का समय लग सकता है। आप किसी के जीवन को, पूरे 60 साल, 70 साल, 80 साल के जीवन को आप 20 से 30 दिन में पढ़ के निकाल देते हैं, इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। अपने ज्ञान को डेवलप कीजिए, बढ़ाइए। जो सफल लोग होते हैं वो अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। आज मैं बात करूं जेफ बेजोस की, आज मैं बात करूं बिल गेट्स की, आज मैं बात करूं वॉरेन बफे की, आज मैं बात करूं बर्नार्ड की, आज मैं बात करूं मार्क जुकरबर्ग की, आप कितने सारे सक्सेस व्यक्ति के बारे में जानते हैं मुझे कमेंट में बताएं, और उनके बारे में आप अध्ययन करें। यदि आपको जीवन में कुछ बेहतर करना है, बड़ा बनना है, तो बड़े लोगों के साथ आपको रहना पड़ेगा, उनके किताब के साथ रहना ही यानी आप उनके साथ हो जाते हैं। कहते हैं कि यदि आपको बड़ा बनना है तो आप बड़े लोगों के भीड़ में चले जाइए, वो धक्का मार मार के आपको ही बड़ा बना देंगे। मेरी मानसिकता किसी को हर्ट करना, किसी के भावना को चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरा भारत देश महान था, महान है और भी महान बने। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।